अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल क्या होता है। सो अब हमने ये देखना है कि जी अगर कहीं पे डाइपोल एग्जिस्ट करता है तो एक्सटर्नल फोर्स में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर क्या होगा। सो यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो ये चीज़ें हम किस तरह से कर सकते हैं। सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाई ए फिक्स डिस्टेंस डी। क्यू इज द चार्ज ऑन द डाइपोल। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू क्यू डी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट क्यू डी, दिस इज ट्रू इन जनरल। ये दूसरी चीज़ जो ये जो हमारे पास क्यू डी है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसको हम ये जो पैरामीटर्स हैं ये करेक्टराइज करते हैं डायपोल को। सो डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू इंटू डी वेक्टर, वेयर द डायरेक्शन ऑफ पी एज वेल एज डी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन जो होगी पी की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। सो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू यूनिट इन क्यू मैग्नीट्यूड इंटू डी फ्रॉम माइनस टू प्लस, डायरेक्शन साथ हम मेंशन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगी, लेकिन वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, उसी टॉर्क को हमने कैलकुलेट करना है। सो ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, और आप डायरेक्शन दे सकते हैं पी वेक्टर, जो मोमेंट डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सो जो प्लस क्यू की वजह से फोर्स है वो एफ प्लस है, और माइनस क्यू की वजह से एफ माइनस है, और उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। सो अगर हम नेट फोर्स देखें तो एफ माइनस का जो मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू ही है, और एफ प्लस का वो क्यू ही है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो है वो डाइपोल के ऊपर जीरो होगी। अब हमने कैलकुलेट करना है इस पे टॉर्क। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एज द ओरिजिन, जो ये जो मिड पॉइंट एक डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमने एक मिड पॉइंट ले लिया है, उस टॉर्क का जो दरमियान में डिस्टेंस है उसको हमने डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास जो दोनों का आएगा वाई कंपोनेंट वो क्या है, 1/2 d sin थीटा और 1/2 d sin थीटा। डी साइन थीटा को हमने हाफ कर लिया बेसिकली। सो टोटल टॉर्क जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, टॉ पॉजिटिव प्लस टॉ नेगेटिव, टॉर्क प्लस क्यू के ऊपर और टॉर्क माइनस क्यू के ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं d/2 sin थीटा क्यू ई प्लस d/2 sin थीटा क्यू ई, विच इज इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे और हमारे पास फाइनलाइज इसको समराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू डी ई साइन थीटा। तो इस क्यू डी ई साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू डी, हमारे पास क्या है, पी वेक्टर मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जिसको हम कहते हैं। सो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से आया, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा, अगर ये कॉस थीटा होता तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता। अब इस केस में हमारे पास साइन थीटा है, वाई एक्सिस इन्वॉल्व, सो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। सो द टोटल मैग्नीट्यूड इज पी साइन थीटा एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट। सो इफ द डायपोल इज फ्री टू रोटेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क टू रोटेट द डायपोल। सो जो वर्क डन है हमारे पास वो क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सो हमारे पास
जब हम इसको ये बेसिकली डिपेंड करेगा उसके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे। सो इसकी जो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डी थीटा, उसकी मदद से। ये बेसिकली वर्क डन। सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएंगी। एक तो आपके पास इक्वेशन आ गई वर्क डन की, विच इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल और कॉस थीटा फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल का मतलब यही है कि हमने बात की है कि हम उसको अगर फ्री टू रोटेट और डाइपोल, जब वो रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका एंगल जो है वो चेंज होगा। सो इनिशियल एंगल हम यूज़ करेंगे पहले और फिर उसमें से फाइनल को एंगल को कॉस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। सो यू डाइपोल इज इक्वल टू, ये एनर्जी है बेसिकली, यू हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमारे पास दो फॉर्मूलेशन आ गई एनर्जी फाइंड आउट करने की और वर्क डन की। सो अब ये लेट से कि पहले जिस कंडीशन में था उसमें नहीं रहा, इसने रोटेट किया, ठीक है। तो यू डाइपोल हमारे पास क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा जो हमने कैलकुलेट किया, विद दिस डेफिनेशन यू इज जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो जब पाई बाई टू होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर, अब एंगल 90 डिग्री बन रहा है लाइंस के साथ, तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। सो आपके पास एनर्जी सिस्टम में जीरो हो जाएगी। अब ये दोबारा से रोटेट करके इधर आ गया, अब एंगल क्या हो गया, एंगल अब आपका पाई हो जाएगा। सो अब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो यू जो है आपके पास एनर्जी है इस वक्त वो मैक्सिमम पे होगी, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो यू इज मिनिमम, कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 और थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये डेफिनेशंस, ये जो जो तीनों पॉइंट्स पे हमने देखा है कि डिफरेंट एंगल्स पे एनर्जी किस तरह से चेंज करती है और कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, कहाँ पे जीरो होती है, ये वो सारी जो आपके पास आ गई उसकी समरी आ गई। अब जो यू डायपोल का हमने जो एनर्जी ऑफ डायपोल है उसका जो फार्मूला हमने फाइनलाइज किया वो यू डायपोल इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब डॉट किस लिए है, अब हमने वो जो ऊपर हमारे पास फार्मूला फॉर्मुलेट हुआ था पी कॉस थीटा, अब कॉस थीटा है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट में ले आए, ठीक है जी। सो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। सो टॉर्क आपके पास होता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसको फर्दर हम खोलेंगे तो फिर टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो जाएगा और जो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की है वो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई है। जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और जब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी। तो यूनिट्स आपके पास गिवन है,